सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तेरे छोटों में तेरे बच्चे आए बता ये कि जन से कोई दाद ना पाल क्या कर गई वो बातें छू गई कौन सी बातें हैं वहाँ पर हम एक चीज देख रहे थे कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में क्या लिया बपतिस्मा लिया उन्होंने क्या किया प्रभु यीशु मसीह को क्या किया पहन लिया है ना। वो बातें मुझे बहुत टच किया। पहनने का मतलब क्या है पहनने का अर्थ क्या है। अगर उदाहरण के रूप में मैं मान लो जींस पहना हूं शर्ट पहना हूं तो लोग मुझे क्या देखेंगे मैं क्या पहना हूं हा? अगर मैं कुर्ता पैजामा पहनूंगा तो लोग क्या देखेंगे जो मैं पहना हूं वही लोग देखेगा। क्या आज हम सभी से प्रभु यही बातचीत करता है। हमने आपने वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को गलातियों 3 का है ना मैं थोड़ा सा उसको पढ़ देता हूं आपके लिए। मैंने वो मुझे छुआ इसलिए मैंने शुरुआत में उसको टोचन किया आपके लिए। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है क्या कह रहा है तुम में से जितनों ने मसीह यीशु का क्या किया है जोर से बोलो बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। उन्होंने क्या किया है प्रभु यीशु मसीह को क्या किया है पहन लिया है मतलब कि हमने उसको पहना है। और यीशु मसीह ने जब चेलों के साथ में थे तो एक बात बोले थे मैं पिता के अंदर हूँ और पिता वही बोला कि मुझे पिता को दिखा दो मुझे परमेश्वर को दिखा दो बोले जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। और यीशु मसीह बोला मैं तुझ में होऊंगा और तू आज यीशु मसीह हमारे अंदर है और हम यीशु मसीह के अंदर है। आमीन। कितने लोग 32 वाले हैं तो बहुत वाले थे तो बहुत कम लोग दिखाई दे रहे वाले दिन बहुत कम लोग 32 वाले आए थे बाकी हफ्ता आते हैं पर 32 वाले दिन कम आते हैं जो दिन प्रभुभोज वाले में मेरे प्रिया उस दिन हमें ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। अभी हमारा वो नहीं है और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है कि हम उसे क्या करते हैं पहन लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारे स्वभाव से हमारे बोली से हमारे जीवन से क्या दिखना चाहिए प्रभु को दिखना चाहिए प्रभु दिखना चाहिए। हमें तो हम कौन सी बात पे छेड़े थे कि प्रार्थना हम प्रभु के साथ कितना समय व्यतीत कर रहे हैं कितने साथ हम उसके मतलब कितने समय हम उसके साथ बैठते हैं कितना उसके साथ हम क्या करते हैं समय व्यतीत करते हैं। हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये चीज पे हमने शुरुआत किया था कि मतलब कितने लोग ने प्रार्थना शुरू किया कितने लोग ने ग्रहण किया कितने लोग बोला कि मेरे सर के ऊपर से गया क्योंकि काफी लोग थे ऐसी बात नहीं कम लोग थे बहुत लोग थे और काफी लोगों ने अपने जीवन में या एक ही बार प्रार्थना शुरू कर दिया उसके साथ समय व्यतीत करना शुरू कर दिया। जब आप यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किए थे जब यीशु मसीह में आप नहीं आए थे तब वो आपके जीवन का हिस्सा नहीं था पर आज वो आपके जीवन का क्या है तो आपको क्या करना पड़ेगा। जब तक आपकी पत्नी आपके जीवन में नहीं थी तो आप उसका कोई किसी प्रकार से आप उसके बारे में सोचते थे या उसके साथ समय व्यतीत कर रहे थे नहीं उसके बारे में हम सोचते भी नहीं थे पर आज वो है तो आप उसकी सारी आवश्यकता और जरूरतों को भी पूरा करते हो। आमीन। जिस प्रकार से कलेशिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया और वो सारी आवश्यकता को पूरा करता है उसी प्रकार से आज हमारे आपके जीवन में क्या कर रहा है वो सब कुछ पूरा कर रहा है हम सब उसकी दुल्हन है। आमीन। सारी आवश्यकताओं को सारी जरूरतों को क्या कर रहा है वो पूरा कर रहा है क्या कर रहा है वो पूरा कर रहा है। आमीन। हालेलुया। उसी प्रकार से हमें भी क्या करना चाहिए उसके साथ प्रतिदिन एक दिन नहीं बोलो प्रतिदिन। जिसके बच्चे जिसके पत्नी गांव में है वो क्या करता है फोन पे प्रतिदिन आप लोग बात करते हो कि नहीं कितने लोग करते हैं इधर आप अब कितने तो सब साथ में होंगे इधर 1 2 मामा 3 आप तो यही है अच्छा बाहर गए थे प्रतिदिन बात करते थे क्यों बात करते थे भाई अभी जिसकी नहीं हुई वो भी बात करता है मतलब सेटिंग मतलब
वो खुद क्या बोलते है, देखवारी हो चुकी है, तिलक चढ़ चुकी है, तो आज नहीं तो कल वो हमारा बन ही जाएगा, बन चुका है ना। फिर भी हम बातचीत करते खाया कि नहीं खाया, हाल समाचार लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। तो क्या यीशु आपका हिस्सा बना है कि नहीं? यीशु आपका हिस्सा बना है कि नहीं? क्या यीशु को आप समय देते हो कि नहीं? मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से आप अपने बच्चे की उपस्थिति अपने घर में महसूस करते हो, उसी प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करोगे जब आप उसे प्यार करना शुरू करोगे। एक पल के लिए अगर यीशु आपके घर से जाएगा ना, तो आपका जीवन फूटना शुरू हो जाएगा, आपकी धड़कनें ऊपर नीचे होने लगेगी। जब आप उसे प्यार करोगे, जैसे आपका बच्चा, आपकी पत्नी, आपके परिवार के सदस्य लोग अगर वो कहीं चले जाते हैं, तो आपको बेचैनी आती है, घबराहट होती है। वे हमारे भतीजे आए थे, चहल वहल लगाए हुए थे घर में, और जब वो जाने लगे ना, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब रो रहे, पूरा घर भरा हुआ था। ऐसे ही मेरे भैया, हमारा प्रभु जब हमारे जीवन से, हमारे घर से जब दूर होता है, तो हमारे जीवन में तूफान मार जाता है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मैं किसी को बोला नहीं हूं कभी, कई घरों में मैं कदम रखा हूं, जैसे मैं उसके घर में कदम रखूंगा, मुझे आप आभास हो जाएगा यहां पर यीशु है कि नहीं, पवित्र आत्मा है कि नहीं, इस घर में दुआ होती कि नहीं होती, तुरंत पता चल जाता, तुरंत एक मिनट के अंदर पता चलता है यहां पर क्या है क्या नहीं। आप अगर आत्मिक हैं, सचमुच में खुद आपके साथ चलता है, तो आप इस चीज को आभास करो। किसी विश्वासी घर में आपका दम नहीं घुटेगा, ध्यान रखना, अगर वो प्रार्थना करने वाला जीवन है, वहां पर घुटना टेकने वाले, परमेश्वर का भय रखने वाले हैं, कभी भी उनके घर में घुटना नहीं होगा। कहीं कहीं ऐसे विश्वासी हैं कि आप उनके घर में रहना नहीं चाहोगे, घुटोगे आप। हमारे अभय रामस्वरूप भैया दिल्ली में आए थे, और जब आए तो वो डायरेक्ट मेरे पास नहीं आए, कहीं चले गए। उसके बाद दूसरे दिन दोनों प्राणी भाग कर आए, बोले अरे भाई यहाँ आके शांति मिल रहा है, सृष्टि चैन मिल रहा है, घुटन हो गई थी हमें वहां पर जाकर, क्योंकि आत्मिक लोग हैं, उनको किस चीज की जरूरत है? सूखापन में आपको घुटन होगी, जहां पर गीला है वहीं पर शांति मिलेगी। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो बहुत अच्छा विषय है, मैं दुआ करूंगा इस विषय के लिए, मैं आगे वचन में लेके चलूंगा आपको। अभी बच्चे ने प्रार्थना किया, क्या नाम, बोला कि मैं तीन बार प्रार्थना करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद हूँ, उसने शुरू किया, आगे प्रभु और बढ़ाए। आइए मैं दुआ करता हूँ छोटा सा। प्रभु मैं इन विषयों के लिए दुआ करता हूँ जो आपने सिखाया बताया, जितने लोगों ने पिता जाहिर नहीं होने दिया और आपके साथ संबंध रिश्ता बनाकर रखा है, प्रार्थना करता है प्रभु, खुदावन मैं उन्हें यीशु के लहू में शुभा देता हूँ, यीशु के लहू में ढांक देता हूँ। शैतान तेरी हर एक चाल को, तेरे हर एक योजना को इनके ऊपर से असफल करता हूँ, यीशु के लहू में सुरक्षित करता हूँ। इनका जीवन बाइबल का जीवन, प्रार्थना का जीवन हो, और इनका जीवन एक दूसरे को आशीष का जीवन हो, यीशु के नाम में।